अच्छा, अजीब बात है कि शाम पोइट्री के बारे में है, शाम जावेद साहब के बारे में है, और शबाना जी आपके फूलों से, आपके बालों से फूल गायब है आज, जिन्होंने ट्रांसलेट किया है, और अरविंद मंडलोई जी प्लीज स्टेज पे आए। आपके लिए माइक, वहाँ पे भी जब इसका लॉन्च हुआ था मैंने किताब पढ़ी, तो इट इज़ सच एन एग्जॉस्टिव कलेक्शन ऑफ हिज वर्क, हिज लाइफ, हिज पॉइंट्स ऑफ व्यू, पर्सपेक्टिव्स, हिज पॉलिटिकल व्यूज, हिज रिलीजियस व्यूज, हिज व्यूज ऑन सोसाइटी, हिज वर्क, द लिरिसिस्ट पार्ट ऑफ इट, एवरीथिंग, मतलब वो पूरी जीवनी है एक तरह से। आपका रिश्ता शायद उनसे बहुत पुराना है, ये दिल्ली में मैंने देखा था, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, और इस पूरी किताब को यहाँ तक आने में कितना वक्त लगा और क्या क्या मेहनत गई? अच्छा, देखिए, रिश्ता तो हमारा भूख से है, लोगों को लगती थी, हमको दिखाई देती थी, ये अनुभव एक जैसा है हम दोनों का, भूख से है ना। और फिर देखिए क्या होता है कि जब हालात एक तरह के हों तो जल्दी कनेक्टिविटी हो जाती है, जैसे एक पागल दूसरे पागल को पहचान जाता है, बताए या नहीं बताए, ठीक। तो वैसे ही जिन्होंने बुरा वक्त देखा हो वो जल्दी पहचान जाते हैं, भैया अपने वाला ही है। और आपको एक बात और बता दूं मैं कि अभी शबाना जी एडमिट थी तो अचानक उन्होंने भी हमारी क्लब की मेंबरशिप ले लिया। उन्होंने कहा भाई मेरी समस्या रोटी की नहीं थी, एक बार दाल नहीं थी वहाँ कम्यून में, तो मैं किसी से 50 पैसे मांग लाई थी, तो अम्मी ने बहुत मारा था कि तुम ये क्यों करके आई। तो मुझे पता चला कि ये हमसे एक सीढ़ी पहले हैं, इनके पास रोटी थी, दाल की प्रॉब्लम थी, हमारे पास रोटी और दाल दोनों की प्रॉब्लम थी। तो असल बात ये है कि ये जो हालात हैं, ये जब आप किसी में, किसी आईने में जैसे अपना अक्स देखते हैं, उसी तरह जब आप देखते हैं तो वो एक रिलेशनशिप पैदा होती है। और इसमें बहुत दिल से मैं आभारी हूँ शबाना जी का और जावेद साहब का कि उन्होंने देखने भर की इजाज़त नहीं दी मुझे, उन्होंने कहा तुम आईने के अंदर आ जाओ, तो मैं अंदर आ गया हूँ। तो ये जो भी कोशिश हुई है इसमें, देखिए लिखने पढ़ने का तो मेरा ताल्लुकात ऐसा रहा ताल्लुक कि स्कूलों की बगल से निकला हूँ, मैं अंग्रेजी स्कूल के भी पास से निकला हूँ, समझ जाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। ऐसे ये था कि भाई फीस जब तक नहीं ली गई तब तक पढ़ते रहे, जब फीस मांगना शुरू हुई तो बैक टू पवेलियन, घर आ जाओ वापस। तो असल में ये है कि ये किताब जो लिखी गई है वो इसकी शुरुआत ऐसे हुई कि मैंने जब तरकश पढ़ी अपनी ज़िंदगी में पहली बार, तो मुझे लगा कि ये कहानी तो मेरी है, ठीक है। उसके कई बरस बाद जावेद साहब से मुलाकात हुई, उस मुलाकात करते वक्त मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं कि मैं बहुत सुख चैन वाला आदमी था, मेरे पास एक गाड़ी थी, एक ड्राइवर था और एक फिक्स इनकम थी, और मैं ये मान के चलता था कि दुनिया का सबसे सुखी आदमी मैं ही हूँ। उस सुबह से शाम तक मुझे सिर्फ शायरों के बारे में बात ही करना रहती थी। तो इन्होंने मेरे अंदर एक बेचैनी पैदा की और ये बताया कि भैया ये ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी अभी आपको कहीं लंबा सफ़र करना है। तो यहाँ से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे हमने एक दूसरे को जाना समझा, और इसको समझते समझते ही ये किताब एक शक्ल के रूप में शक्ल लेती चली गई। इसके पहले हमने ख्वाब के गांव में एक बुक की थी जिसमें जावेद साहब की कही हुई बातें थी, और उसकी भी कहानी बड़ी ज़बरदस्त है कि 70वां जन्मदिन था, हम कोई तोहफा देना चाहते थे तो वो हमने बुक तैयार की। अब हुआ ये कि भोपाल से जावेद साहब ने मुझे कार्ड दिया कि ये साहब हैं, विकास रखेजा जी हैं, इनसे जरा आप मिल लीजिएगा, ये बार बार मुझे मिल जाते हैं कहीं फ्लाइट में कभी कहाँ। तो मैं उनसे मिलने पहुँचा तो मालूम चला उनका भी एक कनेक्शन है जावेद साहब से। वो ये है कि वो उस बुक डिपो के मालिक हैं जहाँ से जावेद साहब ने इनकलाब खरीदी थी, ठीक। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं कुछ पब्लिश करना चाहता हूँ, तो हमने कहा अभी तो ये है, हमने कोशिश की थी। और वो किताब जिसमें सिर्फ उनकी कही हुई बातें थी वो अमेज़ोन पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब निकले हुई। बातें ऐसी होती। तो अब ये हुआ कि फिर ये हुआ कि भाई अभी उससे एक प्रेरणा मिली। बिल्कुल। तो फिर 75 बर्थडे पे हम लोगों ने तय किया था कि किताब आए, बीच में कोविड आ गया इसलिए कुछ समय ज़्यादा लगा, फिर ये धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो आज आप सब लोग हैं। बिल्कुल जी, शुक्रिया। आपने सही कहा कि ज़िंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, और उसका भी एक लाइव एग्जांपल जावेद साहब हैं, क्योंकि
हर वक्त या तो फ्लाइट में होते हैं या एयरपोर्ट पे होते हैं या यहाँ होते हैं या वहाँ होते हैं, और उनकी उम्र में ऐसा कर पाना नहीं, ऐसा सोच पाना ही बहुत बड़ी बात है। उम्र का दाखला मत नहीं कर जी बेहतर। रक्षंदा जलील बहुत अच्छा लिखती हैं, खुद भी किताबें इनकी कई आ चुकी हैं, और एक बार इनकी एक किताब थी यू डोंट लुक लाइक अ मुस्लिम, उस बट यू डोंट लुक लाइक अ मुस्लिम, उसके ट्रांसलेशन पे मैं बैठी थी, वो उर्दू का ट्रांसलेशन था, तो मैं हैरान रह गई आपकी डेप्थ, इन डेप्थ नॉलेज, आपके पर्सपेक्टिव्स को लेके, और कितना आप रिसर्च करके लिख सकती हैं, एंड ट्रांसलेटर के तौर पे भी आपका पूरा वो जो एक बॉडी ऑफ वर्क है वो दिख रहा था मुझे। व्हाट वर योर चैलेंजेस, बिकॉज यू नो ईच लैंग्वेज हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टेस्ट टू इट। अब जैसे गुलजार साहब ने लिखा, मोरा गोरा रंग लई ले मुझे शाम रंग दई दे, इसको आप इंग्लिश में नहीं ट्रांसलेट कर सकते, या जावेद साहब का पंछी नदिया पवन के झोंके कोई सरहद कैसे इन्हें रोके, इसको ट्रांसलेट करते वक्त क्या प्रॉब्लम्स या क्या चैलेंजेस रहे? ट्रांसलेशन के तो अपने चैलेंजेस होते ही हैं, लॉसेस और गेंस इनएविटेबल हैं, लेकिन जैसे शबाना जी ने कहा ये किताब एक कलाज है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इसमें जावेद साहब की आवाज़ है, इसमें उनके दोस्तों की, ख़ानदान के लोगों की, जो लोग उनके दोस्त थे भोपाल में इतने अरसा पहले, उनकी आवाज़ है। सो ट्रांसलेशन इज़ ऑल अबाउट कैरिंग द वॉइस थ्रू अक्रॉस द पिकेट फेंस ऑफ लैंग्वेज। बट व्हाट डू यू डू व्हेन देयर आर मल्टीपल वॉइसेस, देयर इज़ नो वन सिंगल नैरेटिव हियर, देयर इज़ नॉट वन सिंगल वॉइस इन द एंटायर बुक। जावेद साहब भी जब वो बोलते हैं तो वो अलग अलग आवाज़ों में बोलते हैं, वो एक 8 साल का बच्चा है, जो अभी शबाना ने पैसेज पढ़ा, मैं 8 साल का हूँ लखनऊ, वो वाक़या जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ है, तो वो 8 साल का बच्चा जब बोल रहा है तो वो दूसरी आवाज़ में बोल रहा है। फिर जब वो एक एल्डर स्टेट्समैन है, जब वो राज्यसभा की अपनी फेयरवेल स्पीच दे रहे हैं, तब वो दूसरी तरह से बोल रहे हैं, वो चंचलता, वो मचलती भी जो उनकी शोखी है, जो उनके उनकी उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, उसकी भी झलक आती है, लेकिन जो उनकी संजीदगी है, जो वो बहुत फिलोसॉफिकल अंदाज में बात करते हैं, वो बातें भी इस किताब में हैं। तो कोई एक आवाज़ में एक सपाट तरीके से इस किताब का तर्जुमा कर देना मुमकिन नहीं था। यू नो आई कांट साउंड लाइक माई सेल्फ।